सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और आज के इस वीडियो में एक हमारे व्यूअर हैं, यहाँ पर सारा नाम इनका, और इन्होंने पूछा है कि मैंने लास्ट मंथ की दो एंट्री करना भूल गई, अब कैसे करूँ। मैं लास्ट मंथ की दो एंट्रीज करना भूल गई, अब कैसे करूँ, डेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, डेट कैसे चेंज होगा, बैक डेट में कैसे जाएंगे। बैक डेट में जाना बहुत आसान है, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। जैसे कोई भी कंपनी आपके पास होगी, सपोज कीजिए मैं यही कंपनी उठा लेता हूँ। अब मान लीजिए कुछ एंट्रीज हमारे पास पहले से हुई पड़ी हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अप्रैल की एंट्री है, ठीक है, और अगर गलती से डेट चेंज हो गई, ध्यान दीजिएगा, अगर गलती से डेट चेंज हो गई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर F2 करेंगे और यहाँ पर डेट चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए 1/6 आ गया 2023 आ गया, यहाँ पर 1/6/2022 आएगा, 1/6/2022 कर दिया मान लीजिए, ठीक है। आप 24 के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, पुरानी कंपनी मैंने उठाई है। अब देखिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए आ गए, तो अब हम फिर एक वाले डेट में कैसे जाएंगे, पिछले मंथ में जाकर के कैसे एंट्री करेंगे। तो देखिए पिछले मंथ में जाना बहुत आसान है, आप F2 प्रेस कीजिए, ठीक है। सेम फाइनेंशियल ईयर होगा, देखिएगा फाइनेंशियल ईयर सेम हो, फाइनेंशियल ईयर अगर आपको बदलना है तो आप Alt F2 कर सकती हैं, ठीक है। तो ये Alt F2 करके फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं या पीरियड चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पर तो हमें चेंज करना है डेट। तो F2 प्रेस कीजिएगा और 1/4, मान लीजिए 1/4 या 2/4 में आना है आपको, तो यहाँ पर टाइप कीजिए 2/4/2022, ठीक है, और एंटर कर दीजिए, हमारा डेट चेंज हो गया। अब हमको सेल्स में एंट्री करना है, तो हम सेल्स वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पे Alt C करके कोई भी लेजर बना लेंगे, जो भी हमारे डेटर पार्टी का लेजर हो। तो यहाँ पहचान के लिए मैंने D लिख दिया है, डी लिखने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये डेटर पार्टी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे सन्ड्री डेटर का ग्रुप रहेगा, ये सन्ड्री डेटर कर दिया हमने, मेंटेन बैलेंस बिल बाय भी लिए यस रहेगा, बाकी से सारी डिटेल आप भर लीजिएगा, एंटर करते हुए से एक्सेप्ट करा लीजिए। और यहाँ पर अगर आप ईवे बिल में डील करते हैं तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी चाहिए, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाइएगा और फिर एंटर करते हुए GST IN और तमाम डिटेल भर के, और यहाँ पे सेल्स का लेजर आ जाएगा। अब हमारे पास जो भी स्टॉक आइटम होगा उसको हम उठाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास CPU 6 है, तो हम 3 सेल कर देते हैं और एक की खरीद सॉरी बिक्री रेट जो है 50,000 रखेंगे, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये कीमत आ गई। अब यहाँ पे GST के लेजर्स आएंगे, तो देखिए यहाँ पे CGST और SGST के लेजर्स चाहे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पार्टी हमारी कहाँ की है। तो देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, रितेश डी नाम का जब हमने लेजर क्रिएट किया, यानी डेटर पार्टी का लेजर क्रिएट किया, तो ये नहीं देखा कि ये डेटर पार्टी है कहाँ की, तो हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पे जाके अल्टर पे जाएंगे, और जैसे ही अल्टर पे जाते हैं तो लेजर्स पे जाएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे रितेश डी वाला लेजर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर प्रदेश इंडिया ही दिखा रहा है, यानी सेम स्टेट का मामला है, तो यहाँ पे CGST और SGST ही लगेगा। वापिस आते हैं सेल्स वाउचर में, जो हमारा यहाँ पे पार्टी है उसका लेजर लगाएंगे, ये लगा दिया, और बाकी ये मैंने बताया था डिटेल भर लीजिएगा आप, और एंटर करते हुए यहाँ पर आ जाएगा सेल्स का लेजर आ जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सेल्स का भी लेजर बनाते समय थोड़ा सा ध्यान देना है, तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर आकर के एक बार सेल्स का लेजर भी देख लेते हैं कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स का लेजर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है, ये नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे या देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ये सही है हमारा लेजर। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम GST अप्लाई करेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप परचेस किए होंगे उसमें GST लगी होगी तभी आपकी सेल्स में GST लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले हम पीरियड चेंज करेंगे, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो 1/4/2022 से लेकर, और यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हमने GST नहीं लगाया है, सेल्स में परचेज में देखते हैं तो यहाँ परचेज में भी GST नहीं लगाया है। तो अगर आप सेल्स में GST लगा रहे हैं और परचेज में नहीं लगा हुआ है, तो सेल्स में ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा भी GST इसीलिए ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे V बटन प्रेस करेंगे और आ जाएंगे सेल्स वाउचर में, और एंट्री हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेटर पार्टी की एंट्री थी, जिस भी डेट में है वो डेट पड़ी गया है, ये डिटेल भरते हुए आगे आइएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा के सेल्स का यहाँ पे लेजर लगाइएगा, और यहाँ पे CPU, ठीक है। तो हम दो सेल करते हैं और एक की सेलिंग रेट जो है 50,000 रखेंगे, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर के ईवे बिल की जरूरत है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करके, और यहाँ पे लिख दीजिएगा द गुड्स हैव बीन सोल्ड, ये हो गया। अब इंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। और अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो यस रखा हुआ है, तो ई इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगी आपकी। ये बिल आपको बाहर आकर के दो बार डी प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली से, यहाँ से आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंटर करिएगा, आई बटन प्रेस कर लीजिएगा, यही आपका बिल है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। बैक डेट में जाके आपको एंट्री करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।